रायगढ़ में जो हमारा चक्रधर नगर थाना में ये 7 मई 2016 को दो महिलाओं की डेड बॉडी मिली हुई थी। इसमें एक माँ बेटी थी जिसको अज्ञात डेड बॉडी थी जिनका मर्डर करके उनके ऊपर गाड़ी से उनको कुचलने का प्रयास किया गया था। उनकी पहचान छुपाने के लिए उनके ऊपर गाड़ी चलाई गई थी। ये लगभग 4 साल बाद आज हम लोग उसका खुलासा करने में सफल हो पा रहे हैं। इसमें जो बहुत सारे एविडेंसेस और जो इसमें गवाह हैं उसके हिसाब से इसमें जो एक अनूप साय पूर्व विधायक झारसुगुड़ा में रहे हैं उनको आज हम लोगों ने कस्टडी में लिया है और उनको कोर्ट में आज हम पेश कर रहे हैं। उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि वह दोनों माँ बेटी का उसने अपने ड्राइवर के साथ मर्डर कर दिया था, क्योंकि वो जो महिला है उनके साथ ये लिविंग रिलेशनशिप में 5 साल से रह रहे थे और उनके ऊपर वो ब्लैकमेल कर रही थी, शादी का दबाव डाल रही थी और साथ साथ कुछ और ब्लैकमेलिंग की बातें थी, जिससे तंग आकर के इसने उसको ठिकाने लगाने के लिए और उसकी पहचान ना हो पाए इसलिए वो उसको यहाँ लेकर के आए और मर्डर कर। ये बहुत ही सेंसेशनल मर्डर केस था। इसमें बहुत सारी टीमें अलग अलग समय में बहुत सारे थाना प्रभारियों ने इस पर पहले भी काम किया है। बहुत सारी टीमों ने बहुत सारी कड़ियाँ जोड़ ली थी। लगभग 700 लोगों से ज़्यादा लोगों की पूछताछ इसमें की गई थी और इसके लिए लगभग 6 राज्यों में विशेषकर बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में टीमें भेजी गई, जिस बहुत सारी जगहों पर उनकी शिनाख्तगी के प्रयास किए गए। फाइनली इसमें जब महिला की शिनाख्तगी हुई, 1 साल बाद लगभग इसमें शिनाख्तगी होने के बाद उसके कॉल डिटेल्स और उसके बारे में डिटेल्स लेने के बाद हम लोग आज आरोपी तक पहुंचने में सफल रहे। इसमें कई सारे एविडेंस जो उनके खिलाफ आए हैं, ये महिला के साथ 1 दिन पहले तक उसके साथ थे, लास्ट उसके बाद उसके साथ देखे गए थे और उससे लगातार बात भी हुई है। बहुत सारे गवाहों ने उनको पहचाना भी है और आगे भी हम लोग टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इसमें कराएंगे। अभी तक जो इसमें 2 व्यक्ति शामिल लग रहे हैं, हो सकता है कुछ और व्यक्ति शामिल हो। इस पूरी चीज़ को और बेहतर खुलासा करने के लिए हम लोग इसमें आरोपी का जो नार्को टेस्ट भी कुछ समय में कराएंगे कोर्ट से परमिशन लेने के बाद, जिससे इसमें कुछ नए एविडेंस लाए जा सके। देखिए, ये घटना जो है इसमें सबूत भी मिटा दिए गए थे। पहले ये 302 के तहत कायम किया गया था, बाद में 201 ITC और 120B इसमें कायम किया गया है। बहुत सारे सबूत इसमें मिट गए थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सबूत थे जो अहम सबूत थे, जो पूरी तरह से इस जो अनूप सा है उसकी तरफ पुख्ता कर रहे हैं कि यही आरोपी है। ये जो आरोपी है उसने ये बताया कि घटना के समय उसका ड्राइवर भी उसके साथ था और लोगों के रात से इन लोगों ने हत्या की उसकी। ये उसमें एक गाड़ी भी प्रयुक्त हुई है, उसको हम लोग जब्त करेंगे। एक्यूज्ड बहुत ही पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड व्यक्ति भी रहा है और कई बार के विधायक भी रहा है, तो ये इनको कई बार नोटिस भी दिया गया, कई बार इनको बुलाया गया, लेकिन ये कभी भी जांच में इन्होंने हर तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की और इतने सालों में कभी भी पिछले 3 सालों में इनसे जब भी बुलाया गया ये हमारे सामने उपस्थित नहीं है। इसलिए पिछले 6 महीने से इनके ऊपर लगातार जब कंफर्म होने के बाद इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी और सारे सबूत जुटाए जा रहे थे। सबूत जुटाने के बाद इनकी गिरफ्तारी